लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पनवेल महानगर पालिका की संपत्ति कर वसूली का विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। खारघर की बीजेपी नगर सेविका लीना अर्जुन गरड़ ने पनवेल मनपा की कर निर्धारण प्रणाली पर और अपनी ही पार्टी बीजेपी के निर्णयों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले मनपा को 7 वकीलों की नोटिस भेजकर सुधार की मांग की गई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर सेविका लीना गरड़ ने कहा कि पनवेल मनपा का अधिकांश हिस्सा सिडको जोन में है, जहां महानगर पालिका की ओर से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन टैक्स वसूली ज्यादा की जाती है। यह सिडको जोन में रहने वाले नागरिकों के साथ खुला अन्याय है, यह बंद होना चाहिए। पनवेल मनपा की टैक्स वसूली पर एक बार फिर बवाल मच गया है। 7 वकीलों की नोटिस के बाद भी समाधान नहीं मिलने पर खारघर की बीजेपी नगर सेविका लीना अर्जुन गरड़ ने अब इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पनवेल मनपा को चुनौती दी है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर सेविका लीना गरड़ ने सत्तारूढ़ बीजेपी और स्थानीय नेताओं की नियत और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पनवेल मनपा का अधिकांश हिस्सा सिडको जोन में है, जहां महानगर पालिका की ओर से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन टैक्स वसूली ज्यादा की जाती है। उन्होंने कहा कि जहां आप न तो सड़क बनाते हैं, न फुटपाथ, न ही कोई नागरिक सेवाएं देते हैं, फिर मनपा को पूरा टैक्स वसूलने का अधिकार कैसे है। उन्होंने कहा कि हम सामान्य टैक्स के विरोध में नहीं, बल्कि सिडको जोन में ज्यादा टैक्स वसूली के खिलाफ हैं। यह नागरिकों के साथ अन्याय है, इसलिए बंद होना चाहिए। हमने खारघर फोरम की तरफ से खारघर नोड कि पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में समावेश न हो, इसके लिए हमने काफ़ी सारे कोशिश की थी, पत्र व्यवहार किया था हम लोगों ने, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर खारघर नोड पनवेल कॉरपोरेशन में समाविष्ट हो गया तो आगे जाकर खारघर की अवस्था न घर की न घाट की होने वाली है। लेकिन हमारे आमदार जी प्रशांत जी ठाकुर, उनका था कि खारघर मतलब सोने के अंडा देने वाली मुर्गी, इस एंगल से उन्होंने खारघर को समाविष्ट कर लिया। आज हम देख रहे हैं कि खारघर, कलमबोली, जो भी हमारे सिडको कॉलोनी एरियाज हैं, यहाँ पे 2.5 लाख मालमत्ता धारक हैं टोटल पनवेल म्युनिसिपल एरिया में। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, किसी भी एरिया में पनवेल महानगर पालिका ने कुछ भी काम नहीं किया है 5 सालों में। लोगों ने हमें सेवा दी है, बस टैक्स हमें दे दिया। टैक्स पैसा लगाया है कि पिछले 5 साल से टैक्स लगाया है, सेवा 1 रुपये की भी नहीं, बट टैक्स पूरा लगाया, 100% टैक्स लगाया। जब काम नहीं तो टैक्स क्यों भरे? जब नो डेवलपमेंट, नो सर्विस, वाई टैक्स? इस प्रकार से आज हमारे ऊपर जो जिजिया कर लगाया गया है, उसका विरोध मैंने खुद खारघर फोरम की तरफ से किया है। और आज हमने आयुक्त से बात की, परेश जी ठाकुर से बात की, सबसे बात करने के बावजूद भी कुछ ऐसे हल नहीं निकला। फिर हम लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आज रिट पिटीशन फाइल कर दी है और ज़रूर हम जीतेंगे, ये मेरा मुझे विश्वास है कि खारघर की जनता, कलमबोली की जनता, सिडको कॉलोनी की एरिया की जनता इसमें ज़रूर जीतेगी। बताना जरूरी है कि पनवेल मनपा की टैक्स प्रणाली के खिलाफ नगर सेविका लीना गरड़ ने मनपा अधिनियम की धारा 487 के तहत लीगल नोटिस भेजकर सुधार की मांग किया था, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी और मनपा प्रशासन ने उसे दरकिनार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन और पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी ऑन इंडिया।